हेलो दोस्तों, डॉक्टर जाने पे आप सभी का स्वागत है फिर से। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो आपके घर में डॉग लाने से पहले होनी ही चाहिए। अगर आपके घर में ये चीज़ें पहले से नहीं है तो आपको जब भी डॉग लाएँ तो 5-6 दिन पहले ये सारी चीज़ें लेके आइए ही आइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपलसरी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये सारी, क्योंकि आपको डॉग को भी संभालना है और ये सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट पर अगर आप लेने जाते हो या तो ये सारी आपके कॉस्ट भी बढ़ जाता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है ये सारी चीज़ें लेने में, क्योंकि आपका इतना सारा टाइम वेस्ट होगा चीज़ें लेने में, क्योंकि आप नए हो, एक तो फर्स्ट टाइम ओनर हो और आपको पता नहीं होगा कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी चीज़ नहीं लेनी। शॉपकीपर तो यही सोचेगा जो भी आया, आप नए हो तो उसको कौन आपको कौन सा पता चलेगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वो तो आपको जो भी चीज़ अवेलेबल होगी, आप जो भी बोलोगे कि हमारा 3 मंथ्स का पपी है या 2 मंथ्स का पपी है, वो तो सारी चीज़ें ऐसी जो दिखा देगा कि जो अननेसेसरी होगी उस टाइम के लिए, क्योंकि उसको तो चीज़ें सेल करनी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है जो खास इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको उस टाइम के लिए ही चाहिए, बाद में आप उस बाकी की चीज़ें आप धीरे धीरे करके ला सकते हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग के फेज़ में चाहिए ही चाहिए। आपके पपी को जब भी आप घर लाए उस टाइम पे ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो अब देखते हैं कौन सी मेन चीज़ें ये। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये ना ही किसी कंपनी का पेड प्रमोशन है, ये मैं मेरी तरफ से आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि ये आपको कौन सी चीज़ें जो है आपके घर में खास इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी ही चाहिए। जब भी आप आपके घर में डॉग लाए या डॉग लाने से 1-2 दिन पहले ये सारी चीज़ें आप अपने घर में लेके ही रखिए, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको कोई बताएगा नहीं कि ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए पहले से। आप कोई भी शॉप में जाओगे तो शॉपकीपर यही बोलेगा कि आप ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ, बट आपको उस टाइम पे उस चीज़ों का ज़रूरत ही नहीं है। तो कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें तो ये कॉलर, ये चोकर है, आपको डॉग को ट्रेनिंग के टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि चोकर से डॉग को हार्म होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने मेरे जितने भी डॉग्स हैं मैंने चोकर पे ही ट्रेनिंग करवाई है। भी काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि जो डॉग को गला टाइट हो जाता है उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आता है, ये गलत बात है। डॉग को उसको खुद को लिमिट पता है कि वो कहाँ तक जा सकता है, और हमें खुद को पता है कि अपने डॉग को कहाँ तक ले जाना है, हमें उसकी डॉग की लिमिट क्या है, हमें उसको कब तक चोक करना है। एक टाइम ऐसा आता है कि हमें खुद को स्टॉप करना पड़ता है या डॉग खुद स्टॉप हो जाता है चोक पे पुलिंग करने पे, तो उसको खुद को पता होता है। तो चोकर सेफ़ रहता है, काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि चोकर मत लो ये मत लो। दूसरी बात, आपके डॉग के गले में हरदम कॉलर होना ही चाहिए, एवरी टाइम आपके डॉग के गले में कॉलर होना ही चाहिए, चाहे वो घर में हो या रोड पे, आप जब भी जाए तो डॉग के गले में कॉलर होना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि ये किसी का पेट डॉग है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी कॉलर लगा कर रखते हैं, बट वो रिफ्लेक्टिव वाले कॉलर्स होते हैं। हमारे जो घर के कॉलर्स होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी लें तो लॉक वाला लीजिए, क्योंकि क्लैंप वाला जो भी आप लेंगे तो डॉग जैसे जैसे बड़ा होगा उसका पावर भी बढ़ेगा, उसका स्ट्रेंथ सब बढ़ जाएगी। तो अगर आपने उसको डॉग को गले में क्लैंप वाला कॉलर लगा के रखा है और उसने पुल किया तो क्लैंप इजीली टूट जाएगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है एक बार का। इसके बाद मैंने ये सारे लॉक वाले ही लगा के रखे हैं। मैं पहले भी ये लॉक वाले ही यूज़ करता था, बट मैंने एक बार ट्राई करने के लिए लिया था तो डॉग ने मेरे तोड़ दिया था, इजीली टूट जाता है वो क्लैंप वाला। उससे अच्छा ये आप लॉक वाला ही लीजिए, तो ये सेफ भी रहता है, ये इजीली निकलता भी नहीं है आपके डॉग के गले में से, तो ये सेफ रहता है। अब बात करते हैं लीश की। लीश आप ऐसे ही लीजिए जो हाफ चेन हो और हाफ बेल्ट हो। हाफ चेन और हाफ बेल्ट का बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपके डॉग को बाइट भी करना है वो चेन वाले पार्ट पे बाइट करेगा, कभी भी आपका बेल्ट को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोग बेल्ट ही यूज करते हैं, बट बेल्ट में भी डॉग आपका बाइट करता है बेल्ट, और बेल्ट को नुकसान होता है। एवरी 2-3 मंथ्स में आपको बेल्ट चेंज करना पड़ेगा। उसके अच्छा है आप हाफ बेल्ट लीजिए और हाफ चेन लीजिए। जब मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ, आपको एडवाइस करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें लीजिए। अब दूसरी बात करते हैं, घर में ये छोटी चेन होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपका डॉग को छोटे से एरिया में अगर आपको बांध के रखना है
तो थोड़े टाइम के लिए आप बांध के रख सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको डॉग को अगर कोई गिफ्ट आते हैं तो ही आप डॉग को बांध के रखें, और उसके अलावा डॉग को कभी बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका डॉग शांत है, आपने उसको अच्छे से ट्रेन किया है तो। दूसरी, ये सबसे लंबी चेन आती है, आप अगर वॉक पे भी ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो इस चेन को, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी है, ये मेटल की पूरी है तो डॉग इसको बाइट भी नहीं करेगा। अगर उसका पपी स्टेज चालू है तो इस पे बाइट करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेल्ट पे उसके निशान पड़ जाते हैं उसके तीज के, और बेल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं पपी के स्टमक में जाके, फिर आगे जाके उसको लूज मोशंस या स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे अच्छे ये चेन है, अगर बाइट भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम बात करते हैं ये नेल क्लिपर की। आपके पपी का जब छोटा है 2-3 मंथ्स का है तो कोई बात नहीं है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी एज भी बढ़ रही है, उसके नाखून भी बढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ तो घर में होनी ही चाहिए। आप अपने वेट से एक दो बार देख लीजिए कि नेल्स कैसे कट करने हैं, कहाँ से कट करने हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि नेल्स को इजीली कैसे कट करना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आती है, आपके घर में एक बीकर और ये सीरिंज होनी ही चाहिए, क्योंकि आपका पपी जब छोटा है 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का है या उससे आगे भी, जब तक वो 1 ईयर या 18 मंथ्स का ना हो जाए, तब तक आप वो विटामिन, कैल्शियम और बाकी जो भी दवाइयाँ हैं जो वेट कंसल्ट करके देते हैं आपको, आपको उसको देनी ही चाहिए, ताकि उसकी बॉडी में सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी मेडिसिन दे तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में दीजिए, ताकि लिक्विड फॉर्म में बॉडी में अच्छे से मिक्स हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि काफ़ी टाइम देखा जाता है डॉग को डीवॉर्मिंग की टेबलेट दी जाती है या तो फिर उसको कोई भी अलग टेबलेट्स दी जाती है, तो डॉग अपने मुंह में साइड पे दबा कर रखते हैं और फिर बाहर जाके निकाल देते हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान रख के लिक्विड देना चाहिए, क्योंकि ये ईजी रहता है, लिक्विड देने में ईजी रहता है और डॉग की बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर बात करते हैं हम मज़ल की। जब आपका पपी छोटा है तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसको टीथिंग सेंसेशन है, उसके चल रहे हैं, आप उसको बोन्स दे रहे हो या कुछ भी स्टिक्स या कुछ भी बाइट करने दे रहे हो, बट जैसे जैसे अगर वो बड़ा होता है, आपने उसको ट्रेन अच्छे से नहीं किया, काट रहा है, आपको अगर उसको दवाइयाँ देनी है, नेल्स कट करने हैं, तो कभी कभी कुछ डॉग्स होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, उनको नेल्स कट करवाना नहीं पसंद, उनको बात करना नहीं पसंद, तब आपको ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी मज़ल, इससे आपके डॉग का मुंह बंद रहेगा, यानी वो आपको काट नहीं पाएगा बट उसको इजीली पानी पी सकता है, वो इजीली वो ब्रीथ कर सकता है, यानी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली पानी पी सकेगा, यानी वो आपको सिर्फ काट नहीं सकेगा। तो ये एक बेस्ट चीज़ रहती है मज़ल, आपके घर में होना ही चाहिए, चाहे भी फिर वो कोई भी ब्रीड लेके आए हो, आप स्मॉल ब्रीड बोलो, लार्ज ब्रीड, कोई भी ब्रीड हो, आपको ये होना ही चाहिए आपके घर में मज़ल। फिर हम बात करेंगे वाइप्स की। आपका पपी जब भी छोटा है तो आप उसको नहला तो नहीं सकते एवरी 3 टू या 4 डेज में, लोग बोलेंगे कि आप उसको नहलाओ मत, ये बात भी सच है कि आप उसको नहलाइए मत, जैसे कि अभी विंटर की सीज़न थी तो आप उसको एवरी 3 टू 4 डेज में नहला नहीं सकते, बट आप उसको ये वाइप से क्लीन कर सकते हो, और ये पेसिका का है वाइप से ये, और ये इजीली किसी भी शॉप में मिल जाएंगे आपको, मैं बोल दूँ वापस से, ये पेड प्रमोशंस नहीं है कोई भी कंपनी का, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है फिर अगर आपको पपी गंदा होके आता है तो आप उसको नहला नहीं पाओगे, आप उसको क्लीन करोगे, क्लीन भी करोगे तो वो आपके गीले कपड़े से क्लीन करोगे, क्योंकि वो कपड़े में भी थोड़े जर्म्स रहते हैं, आप अगर वाइप से क्लीन करते हो तो इजीली क्लीन हो जाता है पपी, उसको भी कुछ फीलिंग नहीं होती कि गीला हो गया है, गीला होने के बाद अगर पपी को अच्छे से ड्राई ना किया जाए तो स्किन इन्फेक्शन होते हैं, उससे अच्छे ये वाइप्स रहता है, वाइप्स थोड़ी 5-10 मिनट में इजीली सूख जाते हैं पपी के फर पे से, कोट पे से, यानी पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम पी पैड्स की। अगर आपका पपी 2 मंथ्स का है, 2 एंड हाफ मंथ्स या 3 मंथ्स का है, अगर आपने उसको सुसु पॉटी ट्रेनिंग नहीं दी है तो ये पैड्स काफ़ी इजीली हेल्प करेंगे आपको। आपको इस पैड को एक जगह पे, आपको जहाँ पे भी उस पपी को सुसु पट्टी करवानी है घर में, आप उसको इजीली इस वहाँ पे उस जगह पे स्प्रेड कर दीजिए, और आपके डॉग को वहाँ पे ले जाइए और उसको एनकरेज कीजिए कि वो उस जगह पे ही सुसु पट्टी करे। उसके बाद अगर वो सुसु पट्टी करने के बाद
अगर वहाँ पे करता है तो आप उसको छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए, ताकि उसको भी पता चले कि हर जगह सुसु पॉटी नहीं करनी है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, यहाँ पे ही सुसु पॉटी करनी है हमें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और ये भी किसी कंपनी का पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको एडवाइस। ये पैरामाउंट का है, ये किसी भी कोई भी कंपनी का आपको मिल जाएगा इजीली, आपको कोई भी पेट शॉप में आप जाओगे तो इजीली मिल जाएगा। आप उसको सिर्फ ये कहोगे कि पी पैड्स चाहिए, ट्रेनिंग पी पैड्स चाहिए, तो इजीली दे देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको 2-3 ब्लैंकेट्स आपके पपी के लिए रखने ही चाहिए। अभी जैसे गर्मी की सीज़न आ रही है, तो आपको पतली सी चादर रखनी चाहिए आपके पपी के लिए, चाहे वो जहाँ पे भी सो रहा हो। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि पपी की काफ़ी एक अच्छा स्पॉट होता है, फेवरेट स्पॉट्स होता है, वो वहाँ पे ही सोएंगे। आपको उस स्पॉट पे उसके लिए एक दो ये ब्लैंकेट्स जो होते हैं वो रख देने हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर गर्मी है तो बॉडी में ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी टाइल्स के थ्रू या ज़मीन के थ्रू, और विंटर्स में है ये टाइल्स जो होते हैं ज़मीन वो होती है ठंडी हो जाती है, तो बॉडी में ठंड फैलती है डॉग्स के, या गर्मी भी होती है। और अब इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पपी का फेवरेट स्पॉट हो, तो वहाँ पे आके बैठेगा तो उसके जो स्किन डिजीज है जो ज़मीन पे होते हैं, टिक्स, टिक्स तो चलो बाहर से आते, बट आगे भी जो स्किन डिजीज होते हैं, जो हेयर फॉल और ये सारे हैं, तो एक जगह पे ही होंगे, और आपको क्लीनिंग के लिए भी ईजी रहता है। अब 2-3 स्टॉक में एडवांस में ही रखें, क्योंकि अगर आपने एक धोने डाले तो उसकी स्मेल दूसरी जगह होनी ही चाहिए डॉग को, डॉग को खुद की एक स्मेल आनी चाहिए, तभी वो वहाँ पे बैठेंगे और उसी जगह पे बैठेंगे। तो ऐसे कुछ 2-3 चीज़ें और भी हैं, आगे मैं मेडिसिन की भी वीडियो बनाऊँगा कि मैं मेरे डॉग्स को कौन सी मेडिसिन और फूड दे रहा हूँ। और आपको कोई भी डाउट हो कौन सी चीज़ नहीं रखनी चाहिए या रखनी चाहिए डॉग के लिए, आप हमें भेज सकते हो हमारी इंस्टा फेसबुक आईडीज़ पे, आप इजीली हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या हमारे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक आईडीज़ पे, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी, कहाँ से मिल सकती है ये सारी चीज़ें इजीली। चलिए, थैंक यू।